हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री के लिए क्वांट का पेपर लेके आया हूँ। सारे 35 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसी ऑर्डर में करवाऊंगा जिस ऑर्डर में आपको एग्जाम में करना है, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और क्वेश्चन का लेवल दोस्तों एग्जाम लेवल का है, इसलिए वीडियो देखना आप और कमेंट करना अगर आपको रीजनिंग का भी ऐसे पूरा पेपर चाहिए तो। और अगर मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ तो उसके आंसर करना आप और कमेंट जरूर करना दोस्तों आपको जो भी लगे, और वीडियो लाइक करा करो और वीडियो शेयर करो अगर आपको यूजफुल लग रही है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज अपन करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री क्वांट पेपर। ठीक है, 35 क्वेश्चन। अब ऑर्डर, अब देखो सबसे पहले क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया अर्थमेटिक का, तो पहले क्या करना है अपन को, नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट लिखा होगा, नेक्स्ट अर्थमेटिक नेक्स्ट, चाहे कितना ईजी हो, ट्रेन का क्वेश्चन है कितना इजी हो, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी करना है ना ये। अभी मैं अब जैसे अप्रोक्सीमेशन आ गया आपको पता है ये अपनी रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप फटाफट, अप्रोक्सीमेशन आपका क्वेश्चन है 15.98, इसको फटाफट क्या लिखेंगे, 16 × ये 50 माइनस, तो कितना, 16×85 800 माइनस 18 × 32। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 18 × 32 करेंगे तो 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 = 36 कैरी गया 3, 18 × 3 = 54 54 और 3 = 57 प्लस 14 का स्क्वायर 196 इक्वल एक्स। ठीक है, तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा, 224 224 प्लस 196 इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 200 प्लस 220 420, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 13.99 है तो इसको लिखेंगे 14x प्लस, थोड़ा मैं इसको सीधा लिखता हूँ, 14x प्लस 695 इक्वल, अब 36% है इसका 2399 पॉइंट, इसको लिखेंगे 2400, अब परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, क्लियर, प्लस 755। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं आप, मैंने सिखाई है, 4×6 = 24 कैरी गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 4×3 = 12 6×2 = 12 12×12 = 24 और 2×26 कैरी वापस 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 3×2 = 6 2×8 864। ठीक है, यहाँ पे 14x इक्वल, अब ये ऐड हो जाएगा 755 इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5×4 = 9 6×5 = 11 1 तो 8×8 = 16 1619 माइनस 695 करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1619 माइनस 695, तो अपन क्या करते हैं 1619 में से 700 घटा देते हैं, क्योंकि 700 घटाना आसान है डायरेक्ट, तो 700 घटाएं तो कितना बचेगा, 919, 700 प्लस 919 कितना, 1619 700, और 700 में फिर क्या करेंगे, 5 अपन ने ज्यादा घटाया, 705 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रुको, कुछ प्रॉब्लम करी है अपन ने, रुकना, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से अपन को घटाना है 1619 माइनस करेंगे अपन 700, यहाँ पे 14x तो कितना बचेगा, 1619 माइनस 700 करेंगे तो 919। ठीक है, कितना बचेगा, 919, 919 में 5 जोड़ देंगे 924। ठीक है, अब 14 से इसको काटेंगे, थोड़ा मैं गलत लिख रहा था, 14×7 = 98 14×5 = 84। ठीक है, फिर वापस 14×84 तो कितना आएगा, 66 ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, 17.99 तो कितना हो गया, 18% ये कर लिया, हाँ तो ये कितना, 18% ऑफ 199 पॉइंट, तो ये 200 का 18% तो 18×2 = 36 ये डायरेक्ट लिखना है आपको, प्लस ये परसेंट से 0 कट जाएगा 2 0 तो कितना आ जाएगा, 6x इक्वल 40% ऑफ 750, तो 2 0 थे यहाँ पे आएगा 40×750। ठीक है, 50% तो परसेंट से ये दोनों 0 कट गए तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 2×4 = 28 29 30 300 - 36 इक्वल 6x, तो अब कितना आ जाएगा, ये आएगा 264, तो x की वैल्यू ये 6 से काटेंगे, 6×6 = 24 2 बचेगा 6×6 = 24 तो आंसर आ गया 44, क्लियर। अगला है 339 प्लस 339, रुकना ये सही नहीं लिख गया, ठीक है, 339 प्लस 211 तो इनको ऐड कर देते डायरेक्ट, 11 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 ऐड करेंगे 350 डायरेक्ट कर लेते इसको ना, 350 प्लस 450 550 माइनस 380 इक्वल एक्स माइनस 320, तो अब यहाँ से क्या आएगा, 380 को पहले 400 बनाएंगे 20 तो 400 और ये हो गया 170,
170 और फिर ये 320 इधर आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे कितना आ गया 490, तो x की वैल्यू आ जाएगी 490। ठीक है, अगला है 54% ऑफ 7000, तो रुकना इसको लिखेंगे 54 into 70, समझ में आ गया, दो जीरो से परसेंट कट गया, माइनस 78 into, ये 4000 है तो दो जीरो कट जाएंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको 7 से करेंगे अपन, 7 4 28, 2 7 5 35 36 37, 0 माइनस, इसको भी 4 से करेंगे, 4 8 32, 3 4 7 28 29 31, 3120 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको घटा लेते हैं अपन 120, बाकी तो सेम बेस है तो कितना है 0 6, यहाँ 3 लिखो मत लिखो क्योंकि बेस सेम है, तो ये आ गया 660 प्लस 16 करेंगे कितना आएगा, ये आ गया 676। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, 676 काफी फेमस नंबर है, ये होता है 26 का रूट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, अब अपन को ये मिल गए, फिर क्या करना है, डी ए आई, डी ए पे अपन को आगे जाना है, डी ए पे नहीं जाना अपन को, डी ए नहीं करनी अभी, कहने का मतलब, फिर अपन को जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई तो क्वाड्रेटिक करनी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में क्या है, माइनस प्लस तो इधर एक्स इधर वाई। ठीक है, तो माइनस प्लस में क्या होगा, दोनों फैक्टर प्लस प्लस के होंगे, इधर भी दोनों फैक्टर प्लस प्लस के होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 58 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, उनको ऐड करने पे ये प्लस है, ऐड करने पे 14 आ जाए, तो 8 और 6 फिर 45, अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया, तो 90 के फैक्टर करने हैं अपन, 45 के नहीं करने, तो 90 के फैक्टर ऐड करने में 19 आ जाए, 10 और 9। क्लियर हो गया, 10 और 9, बट आगे 2 से गुणा किया, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से इसको 2 से, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं है, यहाँ आएगा 4.5। ठीक है, अब कंपेयर करो, 8 इन दोनों से ही बड़ा है, 6 भी इन दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई। अगला है प्लस प्लस, दोनों फैक्टर प्लस प्लस है, इधर भी प्लस प्लस है। ठीक है, इधर माइनस माइनस, ये एक्स की बात कर रहे हैं, तो इधर वाई की बात करेंगे। ठीक है, इधर भी माइनस माइनस के आएंगे दोनों, अब क्या करना है, 25 के ये 6 से इससे गुणा होगा, 25 से 150 के फैक्टर करने हैं, अगर 150 के फैक्टर करेंगे और 25 है तो 15 और 10। ठीक है, 15 और 10, और इसमें लास्ट में 6 से डिवाइड होगा, बट एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इस तरफ भी 6 एक्स वाली इक्वेशन में, वाई में भी 6 है, तो अपन 6 से डिवाइड क्यों करें, क्योंकि दोनों में 6 से डिवाइड होगा तो बेस सेम आएगा, बेस सेम हटा देता है। ठीक है, फिर अगला 56 × 6 करेंगे, तो 56 × 6 करके देखते हैं, 36 3 6 5 33 31 33, अब 336 के फैक्टर करने अपन को और 37 आ जाए, तो चेक करना पड़ेगा, 21 16 से आ रहा है क्या, 16 × 16 1 16 32 33। ठीक है, इससे हो गया 21 16। अब बताओ अपन को इसमें भी 6 से डिवाइड करना है, इसमें भी 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड नहीं करते अपन, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब देखो माइनस पंद्रह इन दोनों से बड़ा है, ग्रेटर देन -10 भी इन दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन बी। क्लियर, फिर अगला है माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, इसमें भी सॉरी एक्स के फैक्टर वाई, एक्स वाले में दोनों फैक्टर प्लस प्लस, इधर भी आएंगे तो दोनों आएंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना, 22 × 6 तो काफी फेमस है, वो होता है 132, याद रखना। ठीक है, अब 132 के फैक्टर करने हैं अपन को, जो उनको ऐड करने पे 23 आ जाए, तो ये काफी फेमस नंबर है, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, 11 × 12 होता है। ठीक है, 11 और 12, समझ में आ गया, 11 12 को ऐड करने पे 23 भी आ रहा है, गुणा करने पे 132 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते, ये इसका कोई यूज नहीं है। अब 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 से डिवाइड करना, ये ध्यान रखना, इस बार डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 6 एक तरफ 5 है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, आगे 28 × 5 144 के फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 24 आ जाए, तो क्लियर दिख रहा है, 14 और 10 को ऐड करने पे 24 आएंगे और गुणा करने पे 140, वापस 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितना आएगा 5 × 10 2.8, यहाँ आएगा 1 समथिंग आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, अब 2 2 तो इक्वल है। ठीक है, अब ये वाला 2 बड़ा है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इधर चेक करेंगे, एक सेकंड रुकना, चीजिंग वरी दोस्तों। अब क्या करना है, 1 और 2.8 से ये बड़े हैं, दिख रहे हैं अपन को, आंसर क्या आएगा, x लेस देन इक्वल y, समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब अगला है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इधर माइनस ये एग्जाम से एक लेवल अप ही करवा रहा हूँ,
एग्जाम में इससे इजी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी, अगर मैंने जो बताया जो तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी करोगे। ठीक है, अब 27 × 14 करना है अपन को, ठीक है, उसका फैक्टर करना है अपन को, 14 × 7 = 98, तो 9 × 14 = 28, 28 + 9 कितना होगा 37, अब 378 आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, कितना चाहिए 378, रफ कर दिया। अब 39 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, सॉरी 378 के दो फैक्टर करने हैं, पर एड करने पर 39 आ जाए। अब देखो 20 × 19 करेंगे, सबसे पास वाला ढूंढेंगे, 20 × 19 करेंगे 380 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, तो अब थोड़ा एक नंबर ऊपर जाते हैं एक नीचे जाते हैं, तो फिर देखो 21 और 18, 18 × 18 एक 18 × 34 = 37 आ रहा है 378, तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 21 और 18, ठीक है, डिवाइड बाई 14 होगा, ये भी डिवाइड बाई 14 होगा, इस वाली में देखते हैं 14 × 5 = 70, ठीक है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 70 के करने हैं तो 10 और 7 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -1.4, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, यहाँ पे आएगा ये 7 से कटेगा, 7 × 21 = 7 × 14, यहाँ आएगा -1.5, यहाँ आएगा -1.2, जो भी आगे समथिंग होगा देखेंगे। अब क्या करना है, -1.5 इससे तो बड़ा है -2 से, बट -1.4 से छोटा है, और मैंने बोला है जब एक सिंबल ऐसा आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा x = y, नो रिलेशन, ठीक है। अगला x³ की वैल्यू है 3375, तो ये होता है दोस्तों 15 का क्यूब है, काफी फेमस है, याद रखना, तो +15 आएगा केवल। अगली क्वेश्चन है x + y + xy = 207, ठीक है, तो x कितना है 15 + y + 15y 207, तो ये कितना हो गया 16y, 15 उधर चला जाएगा, ये 15 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 192, तो 16y कितना आएगा 16 × 16 = 16, 3 × 16 = 32, तो y 12 x 15, तो x > y, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो गया। तो ये सारे सवाल कर लिए अपन ने क्वाड्रेटिक वाले। अब आ गई ये वाली DI, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गई, तो अब अपन को DI करनी पड़ेगी, ठीक है, तो अब अपन इस DI पे पढ़ते हैं, ठीक है, इस DI को करते हैं अपन। अब इस DI में क्या कह रहा है, बार चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ सेडान एंड टोटल नंबर ऑफ SUV इन 5 different cities, तो ये टोटल सेडान दे रखी ब्लू कलर से, टोटल SUV दे रखी रेड कलर से, इनके नंबर दे रखा है, और बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे ये 4 ये 5 जा रहे हैं ना, तो ये 2 1 2 3 4, तो टोटल बीच में स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, और बीच में संख्या कितनी है 1000 है, तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे 200, मतलब ये 5200 है, ये 5200, 5400, 5600, 5800 और ये 6000, समझ में आ गया, ये आप समझाने के लिए, बाकी ये बहुत फटाफट होता है, ये डायरेक्ट देखने से पता चल जाता है कितना है, प्रैक्टिस से हो जाएगा आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट, है ना, टोटल नंबर ऑफ सेडान इन ए एंड ई टुगेदर, अब सेडान देखनी है अपन को ए और ए में, ए एरा ई एरा, अब सेडान कितनी ब्लू वाली, ये कितनी 4800, ये कितनी है 4800 प्लस ये 3600, 4800 प्लस 3600 करनी है, कितनी आएगी, ये आएगी 8400, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ SUVs इन बी एंड ई टूगेदर, अब SUV की बात हो रही है बी एंड ई के अंदर, ठीक है, रुकना, अब बी और ई में SUV कितनी है, ये रहा बी और ये ई, बी और ई में SUV कितनी है, ये 4000 और ये 4000 कितनी 8000, अब ये कह रहा है 8000 में से ये कितनी ज्यादा है, तो दिख रहा है 400 ज्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन 400 डिवाइड बाई 8000 करना है अपन, ठीक है, इसको काट ही देते हैं अपन, ये इससे कट गया 4 × 8 = 0, फिर परसेंट आएगा तो 20×5 = 100, तो कितना है 5%, समझ में आ गया, ऑप्शन हो गया सी। अगला है फाइंड द रेशियो ऑफ, रुकना, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेडान्स इन सी एंड डी टुगेदर, अब सी प्लस डी में टोटल सेडान कितनी है, ये रही टोटल सेडान, सी और डी में ब्लू वाली देखो 5000 प्लस 3000, सेडान की बात करें 8000 हो गई, इस टू ए और डी में पूछा है SUV, अब ए में SUV कितनी है, SUV रेड वाली, ये 3200, और ए और डी, डी में कितनी है 3200 + 5400, तो कितनी हो जाएगी 8600, ये 8600 हो गई, 2 0 2 0, इसको काटेंगे 40, दिया गया 43, तो ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया,
अगला है टोटल नंबर ऑफ एसयूवी इन सी एंड डी टूगेदर. अब एसयूवी की इज हाउ मच मोर और लेस इन द टोटल नंबर ऑफ सेडान इन बी एंड डी टूगेदर. तो सी प्लस डी की एसयूवी बोला है, एसयूवी सी और डी की एसयूवी कितनी है, यहाँ पे 4800, यहाँ पे 5400. ठीक है, अब 4800 में पहले 5200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10000, तो ये कितना हो जाएगा 10200. फिर ये बोला है बी और ई, बी और ई की क्या बोला है, बी और ई की सेडान बोला है. तो बी और ई की सेडान कितनी है, बी की सेडान है 5400. ठीक है, ई की सेडान कितनी है, ई की सेडान है 3600. तो 5400 प्लस 3600 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9000. तो इसका डिफरेंस कितना है, 1200. क्लियर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी. फिर अगला क्वेश्चन है, इफ टोटल नंबर ऑफ हैचबैक्स इन डी आर 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ, पेन दो सेकंड रुकना आप, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रही है, पसीने की वजह से आ रही है, थोड़ा हाथ रुकना पड़ेगा. इसके अंदर बोला है 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सेडान, टोटल नंबर सेडान इन सी. ठीक है, अब सी में सेडान कितनी पहले निकालो, सी में सेडान है 5000. अब 5000 से 20% कम है डी के अंदर हैचबैक. ठीक है, डी के अंदर हैचबैक. अब 5000 का 20% कितना होता है 1000, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट निकालने की चीज है, 4000 आ गया. फिर बोला देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैचबैक्स इन डी, डी के अंदर हैचबैक 4000 आएगी. आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सेडान इन है. अब ए के अंदर सेडान कितनी है, ए के अंदर सेडान है 4800, ए के अंदर सेडान है 4800. कितना डिफरेंस इन दोनों में, 800 का डिफरेंस. आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस डी आई का, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेडान इन एबीसीडी टूगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ एसयूवी इन एबीसीडी इन टूगेदर. तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है. ठीक है, तो अब अपन को एड करना है. वैसे तो ये क्वेश्चन है ना, अगर एक बार आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग तो है, इधर एक बार इसको स्किप कर सकता हूँ, मैं तो एक बार स्किप करता हूँ इसको, फिर लास्ट में देखता हूँ टाइम मिलता नहीं मिलता. ठीक है, फिर अपन कर देते हैं. इधर तो है टोटल, पहले बोला है टोटल सेडान, सॉरी कुछ भी बोलो, सेडान और एसयूवी, इनका डिफरेंस देखना है ना. तो सेडान वाली एड कर लेते हैं पहले, ये कितनी है 4800. तो सेडान की पहले जो एग्जैक्ट वैल्यू है उनको एड करते हैं, ये 5000, ये 3000, 8000, 8000 प्लस ये कितनी है 3600, 8000 प्लस 3000 11600. ठीक है, तो अब सेडान की ए और बी वाली बाकी है, ये कितनी है 4800, ये 5000, ये 5400. ठीक है, तो ये आ जाएगी 10200. तो हो गई 8800, सॉरी एक, ये हो गई 21800. ये तो होगी सेडान की. अब एसयूवी ऐड करेंगे, एसयूवी की भी डायरेक्ट डायरेक्ट वाली ऐड करनी है. अब रेड वाली एसयूवी है, एसयूवी की एग्जैक्ट वाली 4000, और ये 4000, तो 8000 तो ये हो गई. क्लियर, तो एग्जैक्ट वाली 8000 ये लिख दो आप पहले. ठीक है, अब कौन कौन सी लिखी याद रखना, अब ये है 3200 एक ही, फिर आगे है ये है 3200 प्लस 4800, तो कितनी हो जाएगी 800, इसमें जोड़ेंगे ये 8000 हो गई. क्लियर, 3200 प्लस 4800 ये 8000 हो गई. तो 8000 16, फिर एक बाकी है, ये है 5400. तो 16000 इसको हटा दो एक बार, प्लस 5400 कितना हो गई, ऐड करेंगे 16 5 21400. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 21400 और 21800 डिफरेंस आ रहा है 400 का डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आगे देखो रोंग नंबर सीरीज आ गई. अब अपन को बता, रोंग नंबर सीरीज अपन नहीं करेंगे. फिर 31 देखते हैं, 31 पे वापस अर्थमेटिक आ गई. तो अब अपन को क्या करना है, वापस बैक चलना है. अपन को पता है एक डीआई पहले आई हुई है स्टार्ट में, हाँ ये वाली डीआई कहते हैं अपन. ठीक है, लाइन चार्ट रुकना, लाइन चार्ट शोज द टोटल सोल्ड प्लस अनसोल्ड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एबीसीडी एंड परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट. ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है, ये तो दे रखिए ब्लू से, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट इन 1000, जैसे ए की है 30000, बी की दे रखी 40000, सी की दे रखी 10000, डी की दे रखी 25000, ई की दे रखी 50000. ठीक है, और फिर दे रखा है एक सेकंड में परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स. ठीक है, अब उसमें से अनसोल्ड दे रखी है, 15% अनसोल्ड है, तो ऑब्वियसली 85 सोल्ड हो जाएगी. जैसे बी के अंदर दे रखी 5% अनसोल्ड, तो 95 सोल्ड हो जाएगी. तो ऐसे सबका दे रखा है. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपके कि क्वेश्चन किससे पूछेगा, क्वेश्चन सोल्ड से पूछेगा, समझ में आएगा. और फिर लास्ट में लाइन लिखिए, नोट पढ़ सकते हो आप, नोट से और क्लियर हो जाएगा. परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट
इक्वल टू टोटल अनसोल्ड ऑफ यूनिट दैट प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू 100। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वो की वही बात बोली है कि अनसोल्ड का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल अनसोल्ड डिवाइड बाय टोटल जितने मैन्युफैक्चर्ड हुए इनटू 100। ठीक है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना, अब अपन को समझ में आएगा क्या कैरी डी आई, तो अब अपन को सोल्व करना है फटाफट। पहले क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्ड यूनिट ऑफ बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ई। ठीक है, तो बी और सी, सी की क्या बोली सोल्ड, तो देखो बी और सी की सोल्ड निकालेंगे अपन। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बी और सी। अब देखो बी की टोटल कितनी है 40,000, 40,000 में से अनसोल्ड कितनी 5%, तो 40,000 का 5% कितना होगा 2,000, 2,000 अनसोल्ड है तो 38,000 कितनी होगी सोल्ड होगी। प्लस अब डी का आगे बोला है सी, ठीक है ना, अब सी के अंदर टोटल कितनी है 10,000, 10,000 में से 30% तो अनसोल्ड है, सोल्ड 7,000, तो कितनी हो गई ये 45,000 हो गई। अब ये कितना परसेंट है टोटल मैन्युफैक्चर्ड ई से, ई की कितनी, ई टोटल 50,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से कटेंगे 9, और 1% से इधर परसेंट वाला एक कट जाएगा, तो कितना आएगा 90%। समझ में आ गया, तो 90% हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ सोल्ड यूनिट्स ऑफ डी एंड ई टूगेदर, डी और ई की सोल्ड चाहिए, टू अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी की अनसोल्ड है ना, ये अनसोल्ड आपको लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, यहाँ पे सोल्ड, तो डी और ई की सोल्ड कितनी है, डी और ई की सोल्ड, डी की टोटल कितनी है, टोटल है 25,000। ठीक है, 25,000 में से 10% है अनसोल्ड, तो सोल्ड कितनी 90%, तो 25,000 का 10% कितना होगा 2,500, और 25,000 में से 2,500 जाएगा तो 22,500। ई की कितनी है टोटल, ई की टोटल 50,000, उसमें से रुकना, ई की 50,000 उसमें से 25% है अनसोल्ड, तो सोल्ड कितनी होगी 75, तो 50,000 का 25% कितना होता 12,500, और 50,000 में से 12,500 जाएंगे 37,500 बचे, इसको ऐड करेंगे, ये फेमस है 60,000 होता है। ठीक है, फिर ए और बी की अनसोल्ड बोला है, ठीक है ना, तो ए और बी की अनसोल्ड कितनी है, ए की कितनी है टोटल 30,000, उसमें से 15% अनसोल्ड है, तो 30,000 का 15% 4,500, बी की, बी की टोटल, बी की अपन ने निकाली थी 40,000 में से 5% अनसोल्ड, तो 2,000, तो कितना हो जाएगा 6,500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसको काटेंगे 5 से 5 एकम 5, 1 बचा 5 0, ये 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 120:13 आ रहा है, 5 से काटा है नॉर्मल, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है फाइंड द एवरेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ सी डी ई, अब अनसोल्ड यूनिट निकालनी है सी और डी एंड ई की, सी डी ई, और इनका एवरेज भी निकालना है। अब सी की टोटल कितनी है 10,000, उसमें से 30% अनसोल्ड है, अनसोल्ड ही बोला है अपन को, तो कितनी 3,000 सी की, डी और ई, डी की कितनी, अब डी ये रहा, डी की टोटल 25,000 है, ठीक है, उसमें से 10%, तो 10% कितनी 2,500, फिर ई की कितनी, ई टोटल है 50,000, 50,000 में से 25% अनसोल्ड है, तो 50,000 का 25 125, 12,500 है। अब देखो 12,500 प्लस 2,500 15 प्लस 3 18,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे 6,000, ऑप्शन नंबर है। अगला है टोटल ना, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन बी एंड सी टुगेदर, अब टोटल यूनिट बी और सी की कितनी है, बी और सी की 40,000 प्लस 10,000 50,000, ठीक है, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ई टुगेदर, अब ई की कितनी है 50,000 और ए की कितनी है 30,000 80,000, ठीक है, 80,000 से ये कितना कम है, 80,000 से 30,000 कम है, इसको रफ करेंगे यहाँ पे आएगा 30,000, ठीक है, इसको काटेंगे अपन, तो ये कट गया 3/8, ठीक है, तो व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बोला, ठीक है, तो 3/8 300 काटेंगे अपन, 8 तरी, रुकना प्रॉब्लम हो गई, रुकना रुकना, हाँ 8 तरी 24, फिर 6 बचेगा तो 8 से 56, 37.5%, तो इसमें आ नहीं रहा दोस्तों, कहीं मिस्टेक की अपन ने, वापस चेक करते रुको, किसका किया, कहीं रोंग तो नहीं ले लिया अपन ने, एक बार वापस चेक करते, टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड सी,
बी और सी की मैन्युफैक्चर यूनिट कितनी, 40,000 प्लस 10,000 50,000। और फिर बोला ए और ई की, ए की कितनी है, ई की कितनी है 50,000 और 80,000 30,000। तो 80,000 में से कितना ज्यादा है, ये 30,000 ही तो ज्यादा है, तो 30,000। 3/8 का आंसर कैसे नहीं आ रहा दोस्तों, 3/8 तो फेमस है, 37.5% इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, फिर भी ये आंसर आप मान लेना, यही आंसर आप खुद निकाल के देख लो, अगर आपको अलग आ रहा है तो कमेंट करना मेरे, ठीक है। और कहीं भी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो ना तो दोस्तों रुकना नहीं है, आप फटाफट करना है ना। फाइन, टोटल यूनिट्स सोल्ड ऑफ एबीसीडी इन टुगेदर, सोल्ड बोल रहा है ना एबीसीडी, ठीक है, तो ए की कितनी है 30,000, 30,000 का 15% अनसोल्ड है, तो 30,000 का 15% निकालेंगे कितना, 15 × 3 = 45, 4,500। अब 30,000 में से 4,000 26,000 मतलब 25,500 सोल्ड है, समझ में आ गया, अनसोल्ड घटा दिया अपन ने, यहाँ पे 38,000। फिर सी के अंदर कितनी है, सी में टोटल 10,000 में से 30% अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितनी होगी 70%, तो 7,000। डी के अंदर है, डी के अंदर है 25,000 में से तो 2,500 जाएगा, तो 22,500, ये सब निकाल रखी है वैल्यू इसलिए याद है अपन। फिर ई के अंदर है टोटल 50,000, 50,000 में से 25% जाएगा तो 37,500 बचेगा, इनको ऐड करनी है, 5 × 3 = 15, 1 × 8 = 14, 14 × 7 = 21, 21 × 2 = 23, 23 × 7 = 30, 3 × 3 = 5, 3 × 8 = 10, 13, 130,500 मतलब 1,30,500 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये भी हो गई, अब अपने क्या क्या बाकी है दोस्तों, ये आपको वापस देखना, वैसे तो याद होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या क्या है। स्टार्ट में आपको पता है 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, ठीक है, फिर आपको पता है कि लास्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज है, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज है, फिर वापस अर्थमेटिक है, ठीक है। तो अब मैंने बोला है कि रॉन्ग नंबर सीरीज जब भी आए तो आपको लास्ट में करनी है, पहले आपको जाना है अर्थमेटिक पर, ठीक है, समझ में आ गया, तो अर्थमेटिक पे चलते हैं अपन। अर्थमेटिक में मैंने बोला है आपका जो जो टॉपिक पहले स्ट्रॉन्ग है ना देख लो, अभी क्वेश्चन किसका है एक बार से पता चल जाएगा आपको, ये सीआईएस का, आगे चलो, ठीक है, बेक करना। फिर ये एज का है, आगे चलो, ट्रेन का है, ट्रेन अपना फेमस है, ट्रेन पे चलो, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, और प्रैक्टिस अपने हिसाब को ऐसे ट्रेन करना है, तो आपके 30+ क्वेश्चन तो डेफिनेटली होंगे। टू ट्रेन्स एंड बी ऑफ लेंथ, तो एक ही लेंथ दे रखी है आपको, आपको लिखने के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तब अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 200 मीटर की है रेस्पेक्टिवली बोला है। दे पास ए ट्री इन 6 सेकंड एंड 20 सेकंड, अब मैंने बोला था जब मैंने ट्री पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बोला था जब भी कोई ट्रेन ट्री को या पर्सन को पार करेगी तो ट्री या पर्सन की लेंथ 0 मानेंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ है 150 मीटर, ये 250 मीटर, मान लेते हैं ए पार कर रही है 6 सेकंड में, तो क्या होता है फॉर्मूला, रुकना एक सेकंड, रुकना इसको मिस कर मिटाता हूँ, फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, ट्रेन की लेंथ मानेंगे डिवाइड बाई 6, कितना आएगा 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 30, तो ए की स्पीड आ गई 25, ठीक है, अब बी की स्पीड निकालेंगे, बी की टोटल लेंथ कितनी है 200, अब ट्री की लेंथ 0 मान रहे हैं अपन इसलिए इसके अंदर एड नहीं किया, ठीक है, यहाँ अगर प्लेटफॉर्म होता तो यहाँ पे प्लस और होता, 20 सेकंड में पार कर रही है, काटेंगे 10 सेकंड, ठीक है, 10, तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर/सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है क्योंकि ऊपर भी मीटर था सेकंड था, तो दोनों की स्पीड आ गई। फिर बोला है इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगी, स्पीड एड होगी, एस ए प्लस एस बी होगी, स्पीड कितनी होगी 35, अब क्या निकालना है टाइम, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई 35 मीटर/सेकंड, अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इन दोनों की टोटल लेंथ एड हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी होगी 350 डिवाइड बाई 35, कितना आएगा 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हाँ वर्क टाइम भी फेमस है अपना, अब मेरा फेवरेट टॉपिक है तो आप लोगों को जो होगा उस पे जाना। क्वेश्चन नंबर 4, 10 men कैन फिनिश ए वर्क इन 8 days, 5 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई 2 men and 3 women टू फिनिश दिस होल वर्क टुगेदर, ठीक है। अब क्या बोला है, पहले ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है इस टाइप का, 10 men into 8 days में कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 5 women वो कर रही है 6 days में, और वर्क सेम बोला है इसलिए दोनों का वर्क इक्वल किया है। अब पहले क्या एफिशिएंसी निकालनी, 5 को इससे काटेंगे 2 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार,
ठीक है, डी डी से डी कट जाएगा, तो मैन अब कौन, वुमेन की इफिशियंसी आ गई 3/8, समझ में आ गया, इफिशियंसी आ गई। अब किसी भी तरफ एक तरफ वैल्यू रख दो इफिशियंसी की, तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, जैसे 10 × वुमेन, मैन की इफिशियंसी कितनी 3 × 8, तो 8 × 3 = 24, 240, तो टोटल वर्क आएगा 240। अब अपन को बोला है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय 2 men and 3 women, तो 2 men + 3 women, तो 2 men, तो यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर आएगा 8, तो कितना होगा 3 × 6 + 8 × 3 = 24, तो कितना हो गया 30, तो टोटल ये हो गया इफिशियंसी को मिला के। अब ये जने मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 240 टोटल वर्क है, डिवाइड बाई 30 करेंगे, 3 × 8 = 24। अब एग्जाम में ऐसा होगा, अब देखो ऑप्शन नन ऑफ दीज आ रहा है, तो एग्जाम में ऐसा होगा, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, तो ऑप्शन ई होगा नन ऑफ दीज, क्लियर हो गया। अब बॉटन स्ट्रीम भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो जैसे आपके जो टॉपिक पूरा परफेक्ट है ना उनको ही उठाना, ऐसे नहीं कि आप ऐसा ही सीखेगा, इजी क्वेश्चन छोटा दिख रहा है उसमें घुस जाओ, वहां पे फंस जाओगे, पहले माइंड को प्रिपेयर करके चलो, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 56 km/h एंड द टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम इज 45 minutes, वेयर इज इन डाउन स्ट्रीम इज 30 minutes, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, तो आज दे रखा है अपन को 4 km/h। अब पहली लाइन में बोला है द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितनी होती है v+s प्लस अप स्ट्रीम होती है v-s, इसका सम दे रखा है 56, तो एस कट जाएगा, तो 2v आ गया 56, तो v कितना आ जाएगा 28, v आ गया 28 km/h, क्लियर हो गया, v आ गया s आ गया, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 32 और अप स्ट्रीम आ जाएगी v-s, अप स्ट्रीम आ जाएगी 24। अब अपन को बोला है कि द टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम इज 45 मिनट, तो अब अपन को टोटल डिस्टेंस का डिफरेंस पूछा है, तो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू स्पीड कितनी 32 इंटू टाइम कितना है, अब डाउन स्ट्रीम में कितना लगा है 30 मिनट, 30 मिनट इसको आवर में बदलेंगे तो कितना हो गया 1/2, इससे काटेंगे 16 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में चलेगी कई डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, समझ में आ गया। अब अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 24, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आएगी 24, स्पीड इंटू टाइम कितना दिया है अपस्ट्रीम में बोला है 45 मिनट, तो 45 / 60 करेंगे ये कितना आएगा 3/4, इससे काटेंगे 4 × 24, तो कितना आएगा यहाँ पे 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, एक तरफ आइए 16, एक तरफ आइए 18, तो डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, क्लियर हो गया। तो ये अर्थमेटिक के 3 क्वेश्चन अपने हो गए जो स्ट्रॉन्ग थे, अब एज वाले पे आ जाते हैं, बट आपको ये याद रखना होगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ये क्या होगा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, धीरे धीरे पता चल जाएगा आराम से। बोला प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज 100% मोर देन दैट ऑफ दीपक, दीपक मोहित, ठीक है, अब दीपक से 100% मोर देन, मैंने बोला जब 100% मोर देन होता है तो वो 2 गुना है, जैसे इसकी एज ए है तो इसकी एज है 2 है, ये रेशियो आ गया इन दोनों का, क्लियर। फिर बोला एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड शिवम इज 55 ईयर, मोहित प्लस शिवम इनकी एवरेज एज दे रखी 55, तो टोटल कितनी हो जाएगी 55 × 2 = 110, ठीक है। फिर आगे बोला रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दीपक टू शिवम, याद दिया है दीपक और शिवम की एज का रेशियो दे रखा है 3:5, तो अब क्या करना है रेशियो मर्ज करना है, रेशियो मर्ज करना मैंने सिखा रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहित, यहाँ पर लिखेंगे दीपक, यहाँ पर लिखेंगे शिवम, मोहित कितना है 2 है, दीपक कितना है, अब दीपक और शिवम का रेशियो है 3:5, अब क्या करना है इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 6 है, 3 है, 5 है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, रुकना, ये इनकी एज का रेशियो आ गया, ठीक है। फिर आगे बोला है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहित शिवम एंड दीपक टुगेदर, अब अपन को दे रखा है मोहित, तीनों की एज का सम पूछा है, मोहित और शिवम की एज दे रखी 110, अब मोहित और शिवम कितना है 6 है + 5 है 11, 11 ए की वैल्यू 110, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, तो इन तीनों को एड कर देंगे 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14,
14 × 10 करेंगे 140, 140 ईयर आ गई तीनों की एज, ठीक है 140, ऑप्शन नंबर ई ईयर, ठीक है। अब चलते हैं एसआईसीआई में, ठीक है एसआईसीआई का भी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों, टाइम हो रहा है मेरे को कहीं जाना है। ए मैन इन्वेस्टेड, खेलने जाना है मेरे को, खेलने का टाइम है, आप भी खेला करो डेली। टोटल ऑफ 80,000 इनटू स्कीम ए एंड बी फॉर 2 इयर्स, स्कीम ए इज ऑफरिंग 18% पर एनएम एट एसआई एंड स्कीम बी इज ऑफरिंग 20% एट सीआई कंपाउंड एनुअली। इफ एसआई इज 4,800 मोर देन सीआई देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन स्कीम ए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, टोटल ए प्लस बी के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है 80,000, लेट बी के अंदर किया है अगर अपन मान लेते एक्स, ठीक है तो ए के अंदर कितना करेगा 80,000 माइनस एक्स, क्लियर हो गया। ए क्या है, ए के अंदर एसआई, ए एसआई पे चल रही है, बी ए सीआई पे, क्लियर हो गया। अब देखो बी की इंटरेस्ट रेट दे रही है 20%, और जब एसआई के अंदर 20% 2 साल के लिए लग रहा है, ठीक है 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ऐसे 20% प्लस 20% प्लस 20% इंटू 20% डिवाइड बाई 100, इसको काटते हैं तो आएगा 4, तो ये 20, 20, 40, 44, तो याद रखना जब 20% बोले 2 साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी 44, इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो ये कितनी हो गई 44% हो गई इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कितनी 18% है 2 साल के लिए, यहाँ हो गई 36%, ठीक है। अब क्या बोला है ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट 4,800 ज्यादा है सीआई से। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल, अब एसआई का फॉर्मूला है, एसआई का टोटल अमाउंट कितना है, सॉरी रुकना, 80,000 माइनस एक्स, 80,000 माइनस एक्स इंटू 36 डिवाइड बाई 100 माइनस 44 इंटू बी के अंदर एक्स लगा है रुकना डिवाइड बाई 100 कितना ज्यादा है 4,800 ज्यादा, क्लियर हो गया। थोड़ा ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, इसको सोल्व करना है अपन को बस, तो मैं लेट हो रहा हूँ, आप इसको सोल्व करके बताना ठीक है क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना, इसको सोल्व करके बताना मेरे को, मैं लेट हो रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में देना, होमवर्क का है ठीक है। तो अर्थमेटिक के लगभग हो गए अपने, थोड़े से क्वेश्चन बाकी है अपने, अब बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज, अब रॉन्ग नंबर सीरीज भी बाकी इधर अपने अर्थमेटिक और बाकी है ठीक है। तो अब क्या करें दोस्तों, अब अपन चाहें तो उसको रोक सकते हैं क्योंकि मेरे को कहीं जाना है अर्जेंट है, तो ये क्वेश्चन मैं एक और सेशन ले लूंगा, ये पार्ट वन हो जाएगा, पार्ट टू अपन अलग से कर लेंगे कल से, थोड़ा ऐसा करूंगा दोस्तों एक ही क्लास के अंदर पूरा कराऊँ ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन बाकी है, मैं लिख रहा हूँ, 10 क्वेश्चन रिमेन है, 10 क्वेश्चन बाकी है ना, बाकी है, तो ये अपन कर लेंगे जल्दी ठीक है। और पीडीएफ भी मैं पहले 10 क्वेश्चन पूरा कराऊंगा फिर मैं पीडीएफ डालूंगा ठीक है दोस्तों। तो तैयारी करते रहो और कमेंट जरूर करना इस वीडियो के लिए जो भी आपको लगे, ठीक है ओके, हैव ए नाइस डे, तैयारी करते रहो, अपना ध्यान रखना।